सीआईडी फेम दिनेश फडणीस, जिन्होंने शो में फ्रेडी का किरदार निभाया था, के निधन से टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। एक्टर को कई स्वास्थ्य समस्याओं के बाद मलाड के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद देर रात 12:08 पर अंतिम सांस ली। सीआईडी में इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले एक्टर ऋषिकेश पांडे ने दिनेश फडणीस के निधन पर शोक जताया। एक्टर ने कहा, मैं यहां उनके अंतिम संस्कार के लिए आया हूं। ये हम सभी के लिए काफी चौंकाने वाला है। वो दिल के दौरे से पीड़ित नहीं थे, जैसा कि मीडिया ने बताया। जब हम शूटिंग करते थे तो उन्हें हार्ट से जुड़ी कई परेशानियां थी। उनका निधन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाला है। सीआईडी के दिनों को याद करते हुए ऋषिकेश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि परिवार का एक सदस्य खो गया। वो एक प्यारे इंसान थे। हम सभी के बीच वो हमेशा मजाकिया और मनोरंजक थे। ऐसा लगता है जैसे हमने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया है। दिनेश के परिवार के सदस्यों के बारे में बात करें तो ऋषिकेश ने कहा कि उनके परिवार में उनकी पत्नी है। उनके माता पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। इसके अलावा अगर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो एक बच्ची के साथ नजर आते हैं, जो कि रिश्ते में उनकी नातिन लगती है। दिनेश के निधन पर अंशा सैयद, जिन्हें 2011-2018 तक सब इंस्पेक्टर पूर्वी के रूप में देखा गया था, ने कहा, बहुत सारी यादें हैं। हमने कई सालों तक साथ काम किया। वो हमारे परिवार का बहुत खास हिस्सा रहे हैं। हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। वहीं एसीपी प्रद्युमन यानी कि शिवाजी साटम भी दिनेश फडणीस के निधन पर भावुक दिखे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के रूप में नजर आने वाले आदित्य श्रीवास्तव भी शमशान घाट पर शिवाजी के साथ खड़े नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कठिन मौके पर दिनेश जी के परिवार को हिम्मत मिले।